नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं शरण रानी जी के शिष्य और देश के जाने माने सरोद वादक पंडित प्रभात कुमार जी से। कल हमने उनसे बातचीत की थी उनके शुरुआती संगीत सफर पर। आज बात करेंगे उनके साज पर और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि दरअसल फ्यूजन का कितना स्कोप है इस वक्त भारतीय शास्त्रीय संगीत में, वो सही भी है या नहीं सही है, और अगर सही है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक कलाकार को। पंडित जी, एक जिज्ञासा और बहुत सारे लोगों को होती है, और जब हम आप जैसे वरिष्ठ कलाकारों से बात करने का मौका मिलता है तो लगता है कि उस पर जरूर बातचीत हो। बात बहुत सामान्य सी है लेकिन कहानी लंबी है। जो साज है आपका, जो सरोद है, उसके बारे में बताइए, उस साज के बारे में भी बताइए, ताकि हम जान सकें, हमारा भी उस साज से परिचय बढ़ सके थोड़ा सा आपके मार्फत। जी जी जरूर जरूर भैया। ये मेरी गुरुजी ने, श्रीमती शरण रानी जी ने एक पुस्तक लिखी है, द डिवाइन सरोद, और उनका ये वर्षों का एक शोध कार्य रहा है जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया है कि सरोद जो है वो 2200 साल पुराना हिंदुस्तानी वाद्य है। उनकी इस पुस्तक का नाम है द डिवाइन सरोद, वो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप शायद देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब ये देखिए कि ये जैसे ये ब्लॉक में, मैं और नजदीक लेके आ रहा हूँ इसको, इस ब्लॉक में अगर आप देखें तो एक महिला सरोद जैसा वाद्य बजाती हुई नजर आ रही। अजंता एलोरास की गुफाओं में और अनेक और जो भित्ति चित्र हैं इसमें, जैसे एक और एक तस्वीर है इसमें, ये जहाँ पे मैं अपनी उंगली रखे हुआ हूँ, इससे ये क्लियर सिद्ध होता है कि सरोज जो है ये हिंदुस्तानी वाजा है, और इसका नाम उस समय चित्रवीणा हुआ करता था। इसका उल्लेख पंडित लाल मणि मिश्रा जी ने अपनी पुस्तक द भारतीय संगीत वाद्य में भी इसका उल्लेख किया है उन्होंने। और जो सरोद शब्द है ये भी सरोदय का अपभ्रंश है। अच्छा, एक बहुत अब से करीब एक 2000-2500 साल पहले एक विद्वान हुए हैं, आचार्य वररुचि, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था प्राकृत प्रकाश, जिसमें ये सिद्ध किया है कि सरोद जो है वो सरोद ऐसे बना है, जैसे हम अंग्रेजी में ऑफन लिखते हैं OFTEN तो टी साइलेंट हो जाता है, या ऑनर एच से शुरू होता है, एच साइलेंट हो जाता है। इसी तरह से प्राकृत प्रकाश में एक सूत्र है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। का गा च ज त द प या व प्रायो लोपा, इनका जो है वो आम बोलचाल की भाषा में जब ये भाषा प्रगति करती है तब इनका प्राय लोप हो जाता है। और आप भारतीय तो हरिश्चंद ने एक जगह ये कोट भी किया है जो हिंदुस्तान की डाइवर मतलब अखंडता पे और यहाँ की भाषा पे, कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे वाणी, तो वाणी जो है वो हर चार कोस पे बदल जाती है। तो इसी तरह से स्वरोदय में सा पूरा हुआ, वा का लोप हुआ, रा हुआ, दा, इस तरह से करके सरोद जो है वो पूरा ये बना। सरोद पूरी तरह से हिंदुस्तानी बाजा है, इसका विदेश से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी इसी तरह से जो इसको हम बजाते हैं उसको बोलते हैं जवा, जैसे सितार मिजराब से बजाया जाता है, मिजराब जो मेहराब, जो शब्द मिजराब है मेहराब से आया है, जैसे मेहराब होती आर्च, बिल्कुल इस तरह से आर्च बनाते हैं ना,
उस तरह से, इसी तरह से सरूद जो है वो जवा से बनाए बजाया जाता है, ये वो चीज होती है जवा, इससे हम लोग बजाते हैं, और ये नारियल का बना हुआ होता है अमूमन। कई बार जो है वो ये जानवर के सींग से भी बनाते हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट है, जो प्रचलन में है, वो नारियल के जवे से। और ये जवा जो है ये जिह्वा का अपभ्रंश है, जिस तरह से हमारी जीभ ट्रायंगुलर है, हमारी जीभ हर एक शब्द को उच्चारित कर देती है, बोल देती है, उसी तरह से जवा हमारा हर बोल निकाल देता है। तो ये जो है ये सरूद, इसका इतिहास है, बाकी प्रगति इसमें होती रही है कालांतर में, बहुत सारे इसमें परिवर्तन आए हैं, तो और आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे, इस तरह से इसका जो है वो चलन रहा है। एक एक कलाकार की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक छवि बनती है, और आपकी एक जो छवि कह लें या पहचान कह लें वो ये है कि रागों की शुद्धता, यानी राग को शुद्ध तौर पर एकदम लेकर चलने का जो सफर कह लें या कह लें कि मिशन कह लें, वो आपके साथ रहा है। तो थोड़ा सा समझाइए कि रागों की शुद्धता से आशय क्या है, अगर मैं इसको आसानी से समझना चाहूं तो क्या इसको समझाया जा सकता है क्या, कि रागों की शुद्धता से क्या आशय है? बिल्कुल, देखिए जैसे हमारी गुरुजी शरण रानी जी, उन्होंने एक चीज हमारे अंदर ये डाली कि राग जो है वो आरोही अवरोही नहीं है, राग एक पूरा व्यक्तित्व है जो पुराने जमाने में जो उस्ताद लोग हुआ करते थे वो सालों साल एक एक राग को साधते थे, इसके पीछे कारण था, वो उस राग को एक व्यक्तित्व मान के उससे एक संवाद और एक व्यवहार स्थापित किया करते थे। तभी उसमें जैसे आज मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, शिवेंद्र भाई से, हमारे आदरणीय शिवेंद्र भाई से, तो हमें शिवेंद्र भाई के व्यवहार को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम एक लंबा रिश्ता कायम कर सकेंगे। इनका मिजाज क्या है, इनको क्या चीज पसंद है, इनको क्या चीज ना पसंद है, ये सब चीजें जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए। ये किस वस्त्र में हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, हम उसी वस्त्र में उन्हें देखना चाहेंगे, हम उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहेंगे, जब हमारी और घनिष्ठता बढ़ेगी तो हम उनसे रूठ भी सकते हैं। तो एक राग के साथ में एक पूरा इस तरह से एक संवाद करना चाहिए, वही उसकी प्योरिटी बनाता है। और ये जरूरी नहीं है, जो ये बड़े कलाकार हुए हैं ये बहुत सिद्ध पुरुष थे, इन्होंने वास्तव में वो रागों से वो साक्षात्कार किया है, इन्होंने उन रागों के साथ में, ऐसा नहीं था कि एक कलाकार को हजारों राग आते हों या सैकड़ों राग आते हों, ऐसा नहीं था, उनके पास में वो मित्रवत जो राग हुआ करते थे वो होते थोड़े ही थे। अब आपके जैसे कोई 100, 200 या 500 मित्र थोड़ी ना होंगे, 8-10 मित्र होंगे जिनके साथ में आप चाहेंगे कि हमेशा हम बैठे, जिनके साथ आप चाहेंगे कि हम हर महफिल में उनके साथ जाएं। इसी तरह से कलाकारों के जीवन में भी है कि एक लिमिटेड रेंज होती, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान होता है रागों का। अब जैसे हम बाहर नीचे निकले तो हर आदमी को हम एक तरह से जानते हैं, लेकिन उससे वो घनिष्ठता नहीं है जो आपके अपने मित्र से होगी। तो मेरे ख्याल मैं अपनी बात आपको बता समझा पा रहा या बता पा रहा, श्रोता लोग हमारी मेरी बात समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल, इसी को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए, मतलब क्या रागों की ये शुद्धता फ्यूजन से रोकती है या किसी और कलाकार के साथ कोलेबरेट करने से रोकती है, और या फिर ये कहती है कि नहीं आप कोलेबरेशन करिए, फ्यूजन करिए, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो राग है उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए,
कंफ्यूजन मत करिए, फ्यूजन करिए। देखिए फ्यूजन जो है, फ्यूजन को मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता हूं। मैंने भी विदेश में अनेक कलाकारों के साथ में, विदेशी संगीत के साथ में फ्यूजन किया। जैसे हम लोग अपने रागदारी को शुद्ध कर रहे हैं, एक प्योरेस्ट फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं, ऐसे ही वो लोग अपने संगीत को एक प्योरेस्ट फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। अब एक चीज आप मुझे बताइए कि जब आप किसी विदेशी व्यक्ति के साथ में आप संवाद करेंगे तो कैसे करेंगे? अपनी बात ही तो बोलेंगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी बात बोलेगा, है ना? ना हम उसकी बात को अडॉप्ट कर रहे हैं, ना वो हमारी बात को अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो ये समझ जाएगा कि ये संवाद किस लिए और क्या हो रहा है। वही चीज फ्यूजन है। जैसे मोजार्ट ने, बाक ने, या इन म्यूजिक वेस्टर्न जो बड़े बड़े कंपोजर हुए हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशंस, क्लासिकल कंपोजिशन बनाई हैं, जो कि सारे के सारे ये जो है वो हमारे वेस्टर्न म्यूजिक की चीजें हैं, वो सब इंडियन रागों का कहीं ना कहीं उसमें योग जरूर होता है। और ये अब आपके कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनके साथ में कैसे व्यवहार कर रहा है। तो फ्यूजन करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन कायदे से होना चाहिए। जैसा होना चाहिए। जी 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 जी, आप अपनी बात। उसमें हम, हाँ, उसमें हम अपनी परंपराओं को भूल जाएं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल करें। अब ग्लोबल संगीत है, ग्लोबल संगीत हो रहा है अब आजकल, तो हमें अपने संगीत की भी खिड़की और दरवाजे सब खोलने चाहिए। बिल्कुल खोलने चाहिए, और तभी हम विश्व संगीत का बेहतर स्वागत कर पाएंगे और भारतीय शास्त्रीय संगीत को भी विश्व के और दूसरे हिस्सों में लेकर जा पाएंगे, जिससे हमारे ही संगीत का विस्तार होगा। इंटरव्यू को खत्म करूं पंडित जी, उससे पहले एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि कोई एक और चीज, कोई एक और राग, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, जो आप हमें सुनाना चाहें, और उसके बाद फिर हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। बिल्कुल जरूर, मैं बिल्कुल आपके लिए कुछ ना कुछ अभी बजाऊंगा, है ना? और अंत में मैं आप लोगों के लिए एक उत्तर प्रदेश की लोक धुन बजाना चाहता हूं। आशा है आप लोगों को अच्छी लगेगी। Thank you.
कि आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बचपन से लेके आपके गुरु के पहुंचने तक के सफर, फ्यूजन और उन सारे विषयों पर बातचीत हुई। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।